वेलकम टू टेम क्लासेज। लास्ट लेक्चर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में बताया था। अब हमें ये जानना है कि जो भी एलिमेंट होते हैं उसका एटॉमिक नंबर से उसके ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड्स के बारे में कैसे जाना जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग भी लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से हमें क्या करना है, इन तीनों को जानना है कि पीरियड कैसे निकलता है, ब्लॉक कैसे निकलता है, वो किस ग्रुप का होता है, ये सारी चीज़ें कैसे निकलती हैं। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिए गए हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी है और इसी काम में ये तीनों चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 20 दिया गया है, तो 20 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा ये होगा। अब इसका हमें अगर पीरियड निकालना हुआ तो इसके लिए पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, ये तीन चीज़ें निकालनी है। तो पीरियड निकालने के लिए सिंपल सा क्या होता है, अब इसका जो नंबर होता है, इसमें नंबर में जो सबसे ज़्यादा नंबर है, जैसे ये 4 है, तो ये किसका होगा, ये फोर्थ पीरियड का हो जाएगा, ये हो गया फोर्थ पीरियड। ऐसे पता करते हैं पीरियड, तो इसमें भी क्या होगा, जो संख्या सबसे ज़्यादा कौन सा, ये 4 है, तो इसका भी जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ पीरियड का हो जाएगा। इसकी बात करें तो इसको तो इलेक्ट्रॉनिक काम से पहले बनाना पड़ेगा। ये 86 है, 86 यहाँ पर हो गया, 112 करना हमें, तो 86 के बाद यहाँ पर लिख देंगे 2, ये हो गया 88 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 14, तो ये कितना हो जाएगा, 102 हो गया, बच गया 10, यहाँ पर 10 लिख देंगे, पूरा का पूरा ये हो गया। तो यहाँ पर ये जो पीरियड होगा कौन सा होगा, यहाँ पे 7 दिया या 5 दिया, 6 दिया, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, तो इसका पीरियड हो जाएगा 7th पीरियड। इसकी बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 54 है, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले 2, तो कितना हो गया, 56 हो गया, यहाँ लिख देंगे 14, यहाँ पर हो जाएगा 70 और बच गया 10, यहाँ लिख देंगे 10, ये हो गया। अब देखेंगे इसका भी पीरियड कौन सा है, तो इसका पीरियड हो जाएगा 6th पीरियड, ये वाला, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी को लिखना होता है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, फिर ये निकालते हैं 29, तो इसमें आर्गन का होता है 18, यहाँ तक हो गया 18, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 9, ये हो गया आपका। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर 9 ना होकर यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अब इसका भी देखेंगे कौन सा ये पीरियड का है, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ पीरियड, क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से तो पीरियड निकालते हैं। दूसरा हमें ब्लॉक निकालना है, ब्लॉक कैसे निकलेंगे, तो ब्लॉक निकालने के लिए देखना ये पड़ेगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबसेल में जा रहा है। तो पीरियड के लिए क्या देखना होता है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है। दूसरा देखना होता है ब्लॉक, ब्लॉक देखने के लिए क्या देखना होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबसेल में जाता है, तो इसके लिए लिखते हैं सबसेल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो जो सबसेल है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो यहाँ ब्लॉक देखने के लिए जैसे ये वाला है, तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस में जा रहा है, एस में जा रहा है, तो इसके लिए जो ब्लॉक हो जाएगा वो जाएगा एस ब्लॉक। अब इसकी बात करें तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस में जा रहा है, डी में जा रहा है, तो इसके लिए जो पीरियड था वो कौन सा था, फोर्थ पीरियड। ब्लॉक जो होगा वो हो जाएगा डी ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो ये हो जाएगा डी ब्लॉक। फिर इसकी बात करें तो इसके लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया वो किस में गया, डी में गया, तो ये भी हो जाएगा डी ब्लॉक का। अगला इसकी बात करें तो ये भी डी में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो जाएगा डी ब्लॉक और ये भी हो जाएगा डी ब्लॉक का। ठीक है, तो पहला वाला एस ब्लॉक का है, फिर उसके बाद ये सारे डी ब्लॉक के हैं। एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसके अलावा, जिसमें पी ब्लॉक में आ रहा है, तो यहाँ पर इसको मिटा के वो वाला क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे एक लेते हैं 35, तो 35 का लिखने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देंगे आर्गन और इसका होता है 18। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 4s 3d और उसके बाद लिखेंगे 4p, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है इसका। अब 18 हो गया, 35 कंप्लीट करना है, तो 18 के बाद लिख देंगे 2, 20 हो गया, यहाँ लिख देंगे 10, 30 हो गया और 5 बज गया, यहाँ लिख देंगे 5, ये हो गया। अब इसके लिए अगर हम पीरियड देखना चाहें तो इसका जो पीरियड होगा वो जाएगा फोर्थ पीरियड, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या इसकी है 4 है, तो ये पीरियड हो गया। अब अगर इसका ब्लॉक देखना चाहें तो ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक का हो जाएगा, ये हो गया पी ब्लॉक। तो इस तरीके से पीरियड और ब्लॉक निकालते हैं। अब ग्रुप कैसे निकालते हैं उसके लिए अलग अलग फार्मूला आता है। एस ब्लॉक के लिए अलग फार्मूला है, पी के लिए अलग फार्मूला है, डी के लिए अलग फार्मूला है। देखिए फार्मूला देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फॉर एस ब्लॉक,
एस ब्लॉक का फार्मूला क्या है? एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो ये हो जाएगा फर्स्ट ए ग्रुप का हो जाएगा, और अगर एस में दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये हो जाएगा सेकंड ए ग्रुप का हो जाएगा। एस के लिए सिंपल से ये फार्मूला है कि अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन आ गए तो फर्स्ट ए का होगा, और दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो सेकंड ए का हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं पहला वाला, तो इसमें एस, ये एस ब्लॉक का ही है, तो इसमें एस में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड ए का, ये हो गया सेकंड ए ग्रुप हो जाएगा। तो एस ब्लॉक के लिए तो ऐसे लिखते हैं। अब अगर दूसरा फार्मूला आता है फॉर पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप का फार्मूला लिखते हैं, तो इसका ग्रुप निकालने के लिए लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं 12 प्लस प्लस लिख देते हैं कि जो लास्ट पी में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबसेल, पी सबसेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि उसका एग्जांपल ये वाला है 35 वाला है, तो इसमें ये पी ब्लॉक का है। अब पी ब्लॉक में कितने आ रहा है संख्या, तो पी ब्लॉक में जो लास्ट पी सेल है, यहाँ पे जो लास्ट है ये वाला है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसका अगर हमको ग्रुप लिखना रहा तो ग्रुप कितना हो जाएगा, 12 प्लस और ये 5 है, ये 5 लिख देंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा, 17 ग्रुप का हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 ग्रुप। इस तरीके से ग्रुप निकलता है। अब जो अगला है, अगला हम निकालते हैं डी ब्लॉक के लिए, तो थर्ड लिखते हैं फॉर डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के लिए अगर हमको जो ग्रुप का फार्मूला आता है, वो फार्मूला आता है 2 प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी सबसेल। पी वाले में लास्ट पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो, और उसमें कितना जोड़ते हैं, 12 जोड़ देते हैं, जबकि डी में क्या होगा, सिर्फ 2 जोड़ के निकालेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 25 है, इसका अगर हमको क्या निकालना है, ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप इसका हो जाएगा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है पहले से डी वाले में, लास्ट डी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और कितना है, 2 जोड़ देना, तो ये हो जाएगा 7th ग्रुप का, ये 7th ग्रुप का हो गया। इसका देखना हमें, इसका कौन सा ग्रुप है, तो इसका ग्रुप देखने के लिए लास्ट में कितना आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 10 और ये 2 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 12, तो इसका ग्रुप आ जाएगा 12। अगला है ये 10 आ रहा है इसमें भी, तो ये हो जाएगा जी के लिए हो जाएगी 12, तो ये भी 12th ग्रुप का हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं, एक बार और रिविजन करा देते हैं। अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ए ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड ए ग्रुप का है। पी का फार्मूला क्या है, 12 और प्लस जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसमें क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे। डी में क्या करेंगे, डी सबसेल में लास्ट जो डी सबसेल उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, और उसमें क्या करना है, 2 जोड़ देना है। ये होता है एस पी डी के लिए। अब एफ के लिए क्या फार्मूला होता है, 4 है फॉर ब्लॉक एलिमेंट। तो इसके लिए सिंपल सा क्या होता है कि एक नंबर याद रखना होता है, अगर 58 से 71 के बीच अगर कोई भी एटॉमिक नंबर है तो ये क्या जाएगा, ये सबसे पहले तो 4F में आता है। अगली चीज 90 से 103 इसके बीच आता है, तो ये आता है 5F में आता है। तो इस एटॉमिक नंबर से हम जान जाएंगे ये किस ब्लॉक में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा कि F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें क्या है, 58 से 71 के एटॉमिक नंबर वाले सारे जो है F ब्लॉक में आते हैं, उसके अलावा 90 से 103 वाले भी क्या आते हैं, F ब्लॉक में आते हैं। अब साथ में इसका हमें देखना है कि कौन सा ये ग्रुप का है, तो इसके लिए सिंपल याद रखना है, ये दोनों जो होता है ये होता है सेकंड बी, ये सेकंड बी ग्रुप का होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं थर्ड ग्रुप। तो कभी भी अगर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, थर्ड ग्रुप में आएगा, या फिर उसको सेकंड बी बोलेंगे। और इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल सा क्या करना हमें, ये नंबर याद रखना, 58 से 71 के बीच रहा या फिर 90 से 103 के बीच रहा, तो ये पूरा क्या आएगा, थर्ड ग्रुप में आ जाएगा, या फिर ये पूरा थर्ड ग्रुप में आ जाएगा, साथ में क्या होगा, एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। अब इसका अगर हमें पीरियड भी देखना है, तो पीरियड देखने के लिए अगर इतने से इतने के बीच रहा तो ये हो जाएगा 6 पीरियड का, ये 6 पीरियड का हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 7th पीरियड का हो जाएगा। तो एफ ब्लॉक के लिए सिंपल से ये देखना है कि अगर इस नंबर से इस नंबर के बीच रहा या इस नंबर से इस नंबर के बीच रहा तो किसका होगा, एफ ब्लॉक का होगा। पीरियड देखना है तो 58 से 71 के बीच रहा तो 6 पीरियड का होगा, 90 से 103 के बीच रहा तो 7th पीरियड का होगा, और ये पूरा का पूरा होता है थर्ड ग्रुप का होता है। तो ये पूरा था आपका कैसे ग्रुप, ब्लॉक और
पीरियड्स निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट ईयर की हैं, लेकिन ये आपको सेकंड ईयर के सेवन्थ और एट्थ चैप्टर में भी काम आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।